नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ की शुरुआत एक सवाल के साथ, क्या सरकार के वादे सिर्फ कागजों पर होते हैं? और देखिए, सवाल इसलिए क्योंकि जरा याद कीजिए उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव, जब प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त प्रदेश का वादा किया था। क्या वो वादा पूरा हुआ? और अगर नहीं तो क्यों, जबकि साल 2018 से अब तक उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क मरम्मत और रखरखाव के नाम पर लगभग 6,500 करोड़ का बजट बना चुका है। तो एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी चमचमाती सड़क, तो दूसरी तरफ कई शहरों कस्बों की गड्ढा मय सड़क। तो विकास के दावों पर बड़ा विरोधाभास है। इन गड्ढों से आर्थिक चपत तो लगती ही है, कईयों की हादसों में जान भी जाती है। तो आज उनकी घंटी बजाइए जिनकी वजह से अभी भी यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर जरूर घंटी बजाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। रोड एकदम जर्जर है, आप सही से साइकिल भी नहीं चला सकते यहाँ पर। 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बाइक्स एकदम स्लिप कर जाती हैं। 10 सालों में इस रोड का 3 बार शिलान्यास हो चुका है पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं अभी तक हुआ है। हम भी सोचते थे 6 महीने में बन जाएगा, 3 महीने में बन जाएगा, बट ये बना ही नहीं 1.5 साल, और अब भी लग नहीं रहा कि ये बनेगा। तो यूपी का ये हाल तब है जब चुनाव सिर पर है। एक तरफ योगी सरकार चुनावी एक्सप्रेसवे की चमक दिखाने में लगी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का भव्य समारोह उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर दिखाने के लिए किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम शुरू करने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में अब एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछ रहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही योगी सरकार अब चुनावी रैलियों में ये कहने से भी नहीं चूक रही कि जो कहा वो पूरा किया। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा, इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने एक वादा यूपी की सड़कों के लिए भी किया था, जो तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। तब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के गड्ढे भरने के लिए 40 दिन का समय दिया था, उसके लिए करीब 1400 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। सरकार के इस आदेश को पूरा करने के लिए यूपी में बड़े स्तर पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन गड्ढे न तब भरे न उस वादे के 4.5 साल बाद अब। 2017 में अब तक योगी सरकार 2 बार यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने की डेडलाइन तय कर चुकी है। पहली डेडलाइन 15 जून 2017 थी, दूसरी डेडलाइन 15 नवंबर 2021 तय की गई। अब ये दोनों ही डेडलाइन पार हो चुकी हैं, तो क्या यूपी गड्ढा मुक्त हो चुका है? करीब 2 महीने पहले हमने यूपी के अलग अलग शहरों में सड़कों की पड़ताल की तो कोई शहर ऐसा नहीं मिला जहाँ के गड्ढे भर चुके हों। यहाँ गड्ढे तो इतने हैं कि गिनना मुश्किल है, बड़े बड़े गड्ढे तक हो चुके हैं इस रोड पे,
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस वक्त यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि यूपी में गड्ढे भरने का अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है और 2 महीने के अंदर सड़कों से गड्ढे गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम एक बार फिर सरकार के इस वादे की पड़ताल के लिए निकले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर कानपुर का हाल। ये कानपुर के विजयनगर चौराहे से पनकी कल्याणपुर मार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। गाड़ियों के निकलने पर उड़ने वाली धूल इस सड़क की सच्चाई बयान कर रही है। इस सड़क में गड्ढे ज्यादा हैं और सड़क तो आपको दिखेगी ही नहीं। कि आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां निकल रही हैं वो हिचकोले खाते हुए निकल रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन गड्ढों से बचने के लिए साइड से निकल रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि इस सड़क में लोगों को चलने में तो परेशानी है ही है, यहाँ आसपास रहने में भी लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं और इसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अभी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अटैक भी पड़ा। और ये धूल और आप सब देख रहे हैं, रोड आज तक कभी बनी नहीं। 5 साल से हो गए यहाँ पे कोई रोड भी नहीं बनी है और पिछले 3 सालों से तो हम लोग का धंधा चौपड़ हो चुका है। ना कोई कस्टमर आता ना कुछ, हम लोग इस बैठे रहते हैं, ना ही कस्टमर आता है और अंदर दुकान के अंदर तक बहुत धूल मिट्टी जाती है। हमारे नए सामान भी पुराने लगने लगते हैं। 10 सालों में इस रोड का 3 बार शिलान्यास हो चुका है। कभी भाजपा के नेता करते हैं, कभी सांसद जी करते हैं, कभी विधायिका जी करते हैं, कभी विधायक करते हैं, पर इसके निर्माण कार्य के बारे में कोई भी पैरवी करने वाला नहीं। खाली फीता काट के वोट बैंक वाले उनको वोट मिल गए और अब की बार इनको नहीं वोट दी पब्लिक। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 10 सालों से ये सड़क बदहाली का शिकार है। इसे लेकर सांसदों विधायकों तक से फरियाद की जा चुकी है लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। गड्ढों के कारण इस सड़क पर कई हादसे भी हो चुके हैं। शहर कोई भी हो, हालात एक जैसे हैं। ये यूपी का बरेली शहर है जो कहने को तो स्मार्ट सिटी है पर हालत सिटी जैसी भी नहीं। टूटी फूटी और गड्ढों से भरी सड़कें इस शहर की पहचान बनती जा रही हैं। चाहे मुख्य सड़क हो या रिहायशी इलाका, यहां सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। विनायक अस्पताल के सामने जो सड़क है ये पूरी जर्जर हो चुकी है। ये चौपला ओवर ब्रिज से लेकर दूल्हा मियाँ की दरगाह तक ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, गड्ढे हो गए। तो हम ये निवेदन करते हैं कि ये सड़क भी बना दें। गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं पर लोगों को इन गड्ढों से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। चाहे नगर निगम हो या PWD, BDA हो या आवास विकास, कोई भी सड़कों के इस हाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विकास के दावों और जमीनी हकीकत का ये फर्क हर जगह नजर आ रहा है। हर दिन हादसों को दावत देती ये सड़क यूपी के रायबरेली की है। पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है। गाड़ी छोटी हो या बड़ी बिना झटके खाए यहाँ से नहीं निकल सकती। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस की जोरदार चर्चा हो रही है, उसकी गुणवत्ता की चर्चा हो रही है। इन सब बातों के बीच ABP न्यूज निकला है पड़ताल करने के लिए कि जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बदली हैं। नई गुणवत्ता की सड़कें देखने को तो मिल ही रही हैं पर बड़े पैमाने पर जर्जर हालत की सड़कें भी हैं। ये रायबरेली से परदसेपुर की तरफ जाने वाली सड़क है, बुरी हालत इस सड़क की। देखिए ट्रक गुजर रहा है तो किस तरीके से पूरा हिल जा रहा है। मतपुड़िया के इसी रास्ते पर 1.5 से 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो इस इलाके की जो सांसद है सोनिया गांधी, उनका भी घर है। विगत 2 वर्षों से रोड एकदम जर्जर है, गाड़ियां टूट रही, लोगों के लोग चोटिल हो रहे हैं, गिरने का डर लगता है और चोट भी लग जाती है। यूपी की सड़कों का ये हाल तब है जब सरकार की तरफ से सड़कों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। यही भाजपा के लोगों ने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे 15 जून तक का। इन्होंने आदेश दिया था कि 15 सरकार बनने के बाद 15 जून तक इन्होंने गड्ढा मुक्त, लेकिन आज तक कई 15 जून बीत चुके हैं, आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। सब जगह रोड गड्ढा युक्त है, कहीं गड्ढा मुक्त रोड नहीं मिलेगी आप। लेकिन जनता के टैक्स का पैसा सड़क पर उड़ रही इस धूल की तरह ही उड़ जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और इंदिरापुरम से वसुंधरा जाने वाला ये रास्ता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ऐसा मानो पता चल रहा है कि गड्ढे में सड़क हो। पूरा ये लंबा स्ट्रेच है जो वसुंधरा से लेकर के सेक्टर 62 तक जाता है। करीब 2 सालों से ये सड़क इसी हाल में है। आसपास के लोग कई बार शिकायत कर चुके लेकिन गड्ढे वैसे के वैसे ही रहे।
ये अब से नहीं, एक डेढ़ साल हम भी सोच रहे थे 6 महीने में बन जाएगा, 3 महीने में बन जाएगा, बट ये बना ही नहीं 1.5 साल, और अब भी लग नहीं रहा कि ये बनेगा। इतनी बाइक्स एकदम स्लिप कर जाती हैं और हम लोग अंदर से बाहर नहीं आ सकते, हम लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया। इतनी डस्ट उड़ रही है, इतना एक तो वैसे ही पॉल्यूशन हो रहा है, ऊपर से ये रोड की वजह से इतना। वहीं प्रशासन बजाय सड़क के गड्ढे भरने के अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालने का खेल खेल रहा है। जब दूसरे डिपार्टमेंट से काम कराना होता है तो हम लोग परसुएंस कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। उनकी हो सकता है कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रही हों, और हम लोगों ने कोशिश की है। अब इसमें से करीब 2/3 पार्ट बन गया है, थोड़ा ही बचा है। प्रशासन अगर चाह ले तो कुछ ही दिनों में पूरी सड़क को चमकाया जा सकता है। जैसे झांसी शहर की ये सड़क, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री को यहाँ आना था तो सिर्फ 15 दिन में सड़क तैयार हो गई। लेकिन इसी झांसी में तहसील और कस्बे को जोड़ने वाली सड़कों की हालत 2 साल में भी नहीं सुधर पाई। लगातार 2 सालों से इस रोड की स्थिति दुर्भार स्थिति में है। गड्ढे मुक्त करने के लिए बाधा करने का काम तो प्रदेश सरकार करती है, लेकिन ऐसा कोई जमीन पर काम नहीं है। ये हाल तब है जब सड़क हादसों और उसके कारण होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। 2018 में गड्ढों के कारण यूपी में कुल 2015 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1043 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 2019 में 2122 सड़क हादसे हुए और 1034 लोगों की जान गई, जो देश में हुए हादसों और मौतों का लगभग 50% था। खुद सीएम योगी कहा करते थे कि पहले सड़कों पर गड्ढों से यूपी की पहचान होती थी। सवाल है कि अब क्या बदल गया। तो अगर आपके शहर और आसपास के इलाकों में भी सड़कों के गड्ढे अब तक नहीं भरे हैं तो 8422 8400 पर घंटी बजाइए। और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP News हैंडल को फॉलो करें। और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ ABP News को टैग करते हुए पोस्ट करें।